मेंटली चैलेंज है, मतलब दिमाग से थोड़ा सा, हाँ जैसे इनका दिमाग है उनसे थोड़ा सा कम। नाम आप बोलिए थोड़ा सा। ये तुम्हारा नाम बोलो बोलो। ये बोलना चाह रहा ओम प्रकाश, अच्छा साइंस से बताओ। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ऐसा ही ए ए से लेके जेड तक आता है साइंस। कि ऐसे बच्चों को कोई स्पेशल बोर्ड नहीं है, या तो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पास करते हैं। एग्जामिनर को भी कभी पता नहीं चलता है कि बच्चा डेफ है या नॉर्मल, तो इनका चेकअप भी उसी हिसाब से होता है, नॉर्मल के तरह, नॉर्मल के हिसाब से इनका पढ़ाई लिखाई भी एकदम नॉर्मल के तरह होता है। रिटेन वटन कॉपी उपी देखिएगा तो कभी नहीं लगेगा कि हाँ बच्चों को मतलब जॉब मिल जाता है, मतलब पढ़ाई लिखाई अगर अच्छे से कर। इनकी दया पे नहीं मिलती है। नहीं नहीं दया पे मतलब क्वालिटी आता है, क्वालिटी आने पे मिल जाती है, श्योर मिल जाती है। हाँ जैसे नॉर्मल को क्वालिटी आने पे कैसे मिल जाती है, ऐसे इनको क्वालिटी मिलती है आने पे, अगर बढ़िया से पढ़े लिखे, एग्जाम दिए, कंपटीशन दिए। ऐसा नहीं है कि 11 12 ग्रेजुएशन कर लिए तो मिल जाएगा, नहीं, कंपटीशन फैक्टर। अगर मान लीजिए कि नाम पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे नाम? ये नाम बता रहा है आलोक कुमार। आलोक कुमार तो हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? जी अल्फा बेटा। अच्छा, जैसे मान लीजिए पिताजी का नाम पूछेंगे तो ये कैसे बोलेंगे? नहीं जी 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 राजकुमार। अच्छा क्या क्या बोला? राजकुमार। अच्छा तो मतलब इन लोग का थोड़ा अलग लैंग्वेज होता है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मतलब इस सारा टाइप का होता है, बॉडी लैंग्वेज से मतलब पता चलता है, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है ना? नहीं है यहाँ तो मतलब साइन लैंग्वेज भी होती है और ऐसे भी नॉर्मली पढ़ाई होती है। नॉर्मली जी। तो कहाँ से ये बच्चे सब आते हैं? स्कूल में पढ़ाया जाता है। नहीं सभी बच्चे कहाँ से आते हैं थोड़ा आप ये बताइए, कहाँ से सभी बच्चे आते? ये ऑल ओवर द बिहार से हैं, मतलब बिहार से किसी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, नेपाल से हैं, फिर बंगाल से हैं और झारखंड से हैं, और यूपी से भी एक दो हैं, जो मतलब यूपी बॉर्डर हो गया, मतलब नेपाल सॉरी बिहार यूपी बॉर्डर, यहाँ से मतलब ऑल ओवर बिहार से बच्चे यहाँ। हाँ जनरली मतलब एवरेज देखा जाए तो बिहार से ज्यादा है। तो सभी बच्चे इसी कैटेगरी के? सभी सभी इसी कैटेगरी से हैं, एक दो मेंटली चैलेंज्ड हैं, बाकी जनरली ऐसे ही बच्चे हैं। अच्छा कुछ दो कुछ बच्चे जो भी होते हैं मेंटली भी? हाँ मेंटली चैलेंज है, मतलब दिमाग से थोड़ा सा, जैसे इनका दिमाग है उनसे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा कम होता है। कितना चैलेंजिंग होता है यहाँ पे रखना बच्चों? यहाँ पे जैसे कि अब कोई नया जगह है तो वहाँ पे तो दिक्कत है, और बट हम लोग 96 से ये सब काम कर रहे हैं तो हम लोग के लिए ये सब कुछ चैलेंज नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में मतलब बच्चे को रखने में थोड़ा सा, इस वातावरण में लाने में थोड़ा समय लगता है नए बच्चों को, और जो पहले से हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग के लिए नॉर्मल काम है, बस कर रहे हैं सेवा। अच्छा तो इससे थोड़ा नाम आप पूछिए तो। ए तुम्हारा नाम बोलो बोलो। ये बोलना चाह रहा ओम प्रकाश, साइंस से बताओ। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ऐसा ही ए से लेके जेड तक आता है साइन लैंग्वेज, तो वही साइन लैंग्वेज से बता रहा है कि मेरा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा इनके फैमिली वाले कभी आते हैं मिलने के? हाँ बिल्कुल हर महीने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लोग यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि मतलब किसी पर्टिकुलर डे आपको मिल सकते हैं, मतलब कभी भी आ सकते हैं, 24/7 तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब शाम के 7 बजे तक किसी भी समय आ सकते हैं, किसी भी दिन। फैमिली वाले आते हैं मिलते हैं? हाँ फैमिली वाले आते हैं, कोई दिक्कत। कितने दिनों तक मतलब यहाँ पे रहते हैं बच्चे? जनरली यहाँ पे जो क्लास है वो क्लास 12 तक है, लेकिन हम लोग नर्सरी टू ग्रेजुएशन तक बच्चे रहते हैं यहाँ। तो 12th करने के बाद बच्चे कहाँ चले जाते हैं? 12th करने के बाद कहीं जो अपने मतलब जो जगह है वहाँ चले गए, नहीं तो अगर यहाँ से अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहीं रहते हैं। मतलब पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ मिलता है, जॉब वगैरह कर पाते हैं? हाँ 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 मतलब हाँ ठीक।
ये बच्चे जो आपका नाम क्या? रामेश्वर प्रसाद, मैं यहाँ का सचिव हूँ और ना जीवन ज्योति सेवा संस्था का। अच्छा। और ये 96 से चल रहा है। अच्छा। ना और इस बीच में अब तक ला 7-8 हुआ गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें SBI बैंक में 3 है, सचिवालय में 2 है, पोस्ट ऑफिस में है 2-3, तो ऐसे करके 10-12 बच्चे जॉब में है। और जो बढ़िया से पढ़ लिख सकता है उसको सरकार की तरफ से प्रेफरेंस है कि अगर जनरल बच्चा अगर 100 में पास कर रहा है, इनको 92-90 लाना पड़ता है, उतना लाना ही पड़ता है। दूसरी है कि ऐसे बच्चों को कोई स्पेशल बोर्ड नहीं, या तो बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड से पास करते हैं। एग्जामिनर को भी कभी पता नहीं चलता है कि बच्चा डेफ है या नॉर्मल, तो इनका चेकअप भी उसी हिसाब से होता है, नॉर्मल के तरह, नॉर्मल के हिसाब से इनका पढ़ाई लिखाई भी एकदम नॉर्मल के तरह होता है। रिटर्न वटन कॉपी उपी देखिएगा तो कभी नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा है। लेकिन अभी तक ला काफ़ी बच्चे इसमें जॉब पा चुके हैं, और जो नहीं जॉब पाए हैं तो पढ़ लिख जो गए हैं वो ढंग से रहते हैं। नहीं तो ऐसे बच्चों को मतलब जॉब मिल जाता है, मतलब पढ़ाई लिखाई अगर अच्छे से कर, इनकी दया पे नहीं मिलती है। नहीं नहीं दया पे मतलब क्वालिटी आता है, क्वालिटी आने पे मिल जाती है, श्योर मिल जाती है। हाँ जैसे नॉर्मल को क्वालिटी आने पे कैसे मिल जाती है, ऐसे इनको क्वालिटी मिलती है आने पे, अगर बढ़िया से पढ़े लिखे, एग्जाम दिए, कंपटीशन दिए। ऐसा नहीं है कि 11-12 ग्रेजुएशन कर लिए तो मिल जाएगा, नहीं, कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे बच्चों को रखना पढ़ाना? रखने के लिए तो रोज एक चैलेंज है, रोज कुछ ना कुछ कुरफात करते रहते हैं, इनको रोज एक एग्जाम से ही गुजरना पड़ता है, हर दिन एक एग्जाम इनको देना पड़ता है। आज मान लीजिए कि कुछ पढ़ाया गया, कल कुछ है, कल परसों कुछ है, तो रोज दिन चैलेंज है। अभी इसके बाद तुरंत ही लोग बैठेंगे इतने क्लासरूम में यहाँ से यहाँ तक के लोग को पढ़ने के लिए, इनके लिए टीचर वगैरह आएंगे, सब पढ़ाई लिखाएंगे। और नहीं पढ़ने पे ज़्यादा परेशानी है, जो नहीं पढ़ पाते हैं वो ढंग से नहीं रह पाते हैं। ना वो यहाँ पे इस तरीके से मतलब एजुकेट कराया जाता है कि वो अच्छे से रह पाए घर पे, क्या अगर नहीं भी जॉब मिले तो? नहीं भी जॉब मिलेगा तो कहीं भी रहेगा ना तो एक ढंग से रहेगा, चूंकि रिटर्न जानता है, कोई भी अगर इससे पूछेगा तो ये अपना लिख के बता देगा अपना फीलिंग क्या है। अच्छा, लिख के बता सकते हैं? 100% लिख के बताएगा कि हमारा फीलिंग क्या है, हम क्या चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को पढ़ाई ही नहीं है, मालूम नहीं है, भाषा का ज्ञान भी नहीं है, तो कैसे बताएगा? आप पूछ रहे हैं कुछ, जवाब कुछ दे रही, आप भी गुस्सा हो गए, ये भी गुस्सा हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी बात है इसका भाषा, जो रिटर्न भाषा ही लोग को बहुत आराम से, दूसरा कोई मेडिसिन, कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई है। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से इसको समाज में इंटीग्रेट कराया जा सकता है, मुख्यधारा में जोड़ा जा सकता है, बाकी और दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे एक स्कूल भी है इनके लिए बगल में, वो स्कूल वहाँ संभालते, बाकी हम यहाँ संभालते हैं इनको। और कोई क्वेश्चन? नहीं बस ये मतलब जितने भी बच्चे इसी कैटेगरी के आते हैं ना? हाँ, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं जो हेयरिंग लॉस है, जो उनको कान से सुनाई नहीं देता है और नहीं देने के कारण वो बोल नहीं पाते, चूंकि लैंग्वेज नहीं मालूम है, सुनेंगे तो लैंग्वेज सीख जाएंगे, तो सुनते ही मेन प्रॉब्लम है, सुनना ही सुनना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जैसे मान ली हमारे यहाँ आके कोई दूसरे कंट्री से कोई पूछेगा तो हम भी चुपचाप रहेंगे, इसका मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम विकलांग हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज नहीं मालूम है। तो इसी तरह से यहाँ जो हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, वो लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाते क्योंकि सुन नहीं पाते। इसी कितने बच्चे होंगे इस तरह के? अभी यहाँ पढ़ाते 85 है, 85 टोटल स्कूल वगैरह सब मिला, वो 300 के ऊपर है, 300 हमारे पास 85 है। अभी यहाँ सामने देखेंगे तो लोग का रहने सहने का जो है तो लगेगा कि हाँ 5-star से कम नहीं है। आइए दिखा देता हूँ, अच्छा अच्छा तो यहाँ पे मतलब व्यवस्था अच्छा तरीके से दिया जाता है बच्चों को? एक कारण है, ऐसे सब कोई नहीं कर सकते है ना, हमारे साथ एक कारण था इसीलिए हम तो देख सकते हैं ये बच्चे मतलब जितने भी जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उसका जो व्यवस्था है एक एक सीट है। अच्छा, हर बच्चे के लिए एक एक सीट, एक सीट है, एक नीचे और एक ऊपर, फैन है, सब कुछ है, एक इधर है, इधर है, फैन में जाली लगाया गया ताकि बच्चों का हाथ उठ
हाँ तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, अगर पहुँचे तो हाथ में रुक जाए, है ना। इसी तरह से चार तल्ला है बिल्डिंग। अच्छा, हर तल्ला पे इसी तरह से है। इसी तरह से बच्चे बदमाशी भी करते हैं? बहुत बहुत करते, बहुत बदमाशी है। तो बच्चा क्या करते हैं, रड निकालते हैं और घुसा के ब्लेड को टेढ़ा कर देते हैं। अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं? कुछ का मैंने ज्यादा, सब जगह कैमरा लगा हुआ है, देखिए वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, सब जगह कैमरा लगा हुआ के बाद भी कितना रहेगा स्क्रीन पे। बात सही है ना। हमारे साथ एक चीज क्या था ना, मेरा एक बच्चा था। अच्छा, आपका? जो डेफ एंड डम था। अच्छा, और आज के डेट में आप सुनेगा ना तो SBI बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है। अच्छा, SBI बैंक का असिस्टेंट मैनेजर? जी। अच्छा, अभी पोस्टिंग उसका फर्स्ट हुआ था गांधी मैदान मेन ब्रांच जो है बिस्कुमान के बगल में, वहां से ट्रांसफर होके अभी आया विश्वसरैया भवन। उसका नाम रोहित कुमार है। अधिकतर मीडिया वाला जानता होगा रोहित कौन है, क्या है, कैसे है। उसका भी मेडल देखिएगा ना, उस शुरू से माने मेघावी छात्र था शुरू से, माने जब वो क्लास 3 में पढ़ता था ना तब 4 का मैथ बनाता था। अच्छा, और वो सत माइकल ऐसे स्कूल से 10+2 है। अच्छा, संजीवियर्स कॉलेज आसियाना रोड में, 2012 का उस कॉलेज का वो टॉपर। अकेले इस तरह का बच्चा, बताइए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, हकीकत है। 100% 102% 200% आप ये सत्य है। आप देखेंगे उसका ना मेडल उडल तो आप वास्तव में कहेंगे ये सब को शाम में दे देते, अभी खाया था सब। चलिए थोड़ा इन कर, आइए आइए, तो देख सकते हैं ये बच्चे भी। नाश्ता दिया गया है, खाना दिया गया है, जो खाना बैठ के खा लो, बैठ जाओ सब, बैठ के खा लो, सुनो बैठो, बच्चा बैंक से आने के बाद। पहले तो वहाँ यहाँ गांधी मैदान में था तो बहुत टाइम मिलता था, 4:30 में आ जाता था, तो इस समय 4:30 से लेकर 3 पढ़ाता था। अब वो आता है 8:30 चूंकि वो ऑफिसर हो गया। किस तरीके के बच्चे वो पढ़ाता है? 11th-12th ग्रेजुएशन जो तैयारी कर रहा है जॉब के लिए। आज देखिए इतना मेडल है उसके नाम। अच्छा अच्छा, सारा रोहित कुमार नाम होगा, सभी मेडल रोहित कुमार का। हाँ, रोहित कुमार। ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, है ना, ये ऑफिस है, ये ऑफिस में हम रहता हूँ, बाकी पेरेंट्स को डील करता हूँ, बच्चे से पेरेंट्स से कुछ पैसा लेके आइए चाय पीजिए।